हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे सीरीज टेस्ट पे। तो यदि आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं या एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई भी अन्य एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का भी तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आप लोग को सीरीज टेस्ट में प्रॉब्लम होता है या सीरीज टेस्ट जो है आप लोग को सीखना है, तो आज की वीडियो के बाद देखने के बाद सीरीज टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि आपको दे दिया कि 22, 26, 30, 34, उसके बाद पूछ गया कि क्या होगा। क्वेश्चन में दे दिया 22, 26, 30, 34 और उसके बाद मुझसे पूछ दिया कि क्या होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी गुना, कभी भागा, कभी क्यूब, यही सब करना रहता है। तो देखिए, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ऐसा पूछा जाता है लेकिन इसमें भी थोड़ा और स्टैंडर्ड कर देता है। तो 22 में यदि हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 26 होगा, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से 26 में 4 जोड़ेंगे 30 होगा और 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34 होगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि हर एक नंबर, अगला ई नंबर जो है अगला नंबर कितना है उससे 4 जाता है, ई जो है इससे 4 जाता है, उससे आगे वाला जो है पिछले वाला से 4 जाता है। तो ये भी क्या होगा, 34 से 4 जाता होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 29, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 46, 43, 40, 37, 34 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा सो बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग 46 में से 3 घटा दें तो 43 आया कि नहीं, मतलब हमको पता चला कि उससे आगे वाला टर्म्स लाना है तो उसमें से 3 घटा देंगे। फिर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 43 में से 3 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। उसी तरह से फिर आगे करेंगे, 40 में से 3 घटाएंगे तो 37 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 घटाएंगे तो 37 में से 3 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक अगला टर्म्स लाने के लिए हम लोग को 3 घटाना पड़ रहा है, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 46 से क्या होगा, ये 3 ज्यादा होगा तभी नहीं, इसमें से हम घटाएंगे 3 तो 46 आएगा। तो 46 में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49। यदि यहाँ पे 49 रखेंगे तो 49 में से 3 घटाएंगे तो 46 आएगा कि नहीं, यह पता हुआ, हर एक में से हम लोग 3 घटा रहे हैं। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1728, 864, 432, 216 और उसके बाद हमसे पूछ दिया कि क्या होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया 1728, 864, 432, 216 और उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, 1728 को 2 से भागा देंगे तो 864 होगा कि नहीं होगा, होगा। 864 को 2 से भागा देंगे तो 432 होगा कि नहीं होगा, होगा। 432 को 2 से भागा देंगे तो 216 होगा, अब 216 के 2 से भागा देंगे तो क्या किए, यहाँ पे हर एक अगला टर्म चलाने के लिए क्या किए कि 2 से डिवाइड किए। तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करेंगे प्रीवियस वाले को, तो 216 को भागा देंगे 2 से, कितना आएगा 108। तो यहाँ पे जो है 108 आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 9, 13, 18, 24, 31 हमसे पूछ लिया कि क्या होगा। 9, 13, 18, 24, 31 ये सारा क्वेश्चन जो है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही हुआ, तो आप लोग को इसको सीरियसली लेना है, ना कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है या एक मिनट में बन गया। ऐसा क्वेश्चन आपको जब पूछेगा एग्जाम देने जाइएगा, एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम, तब आपको वहां पे प्रॉब्लम होगा, इसलिए छोटे को छोटा नहीं समझना है। तो यहां पर देखिए, 9 में यदि हम लोग 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13। तो क्या हम डायरेक्ट यहाँ भाई 31 में 4 जोड़ के 35 आंसर लिख देंगे, नहीं, हम लोग अगला टर्म को भी देखेंगे।
तेरह महीना में कितना जोड़ेंगे क्या खड़ा होगा, चार जोड़ देंगे तो खड़ा होगा नहीं, तेरह में चार जोड़ेंगे तो सत्रह ही होगा, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है पांच, तेरह पांच अठारह, अब अठारह में पांच जोड़ देंगे तो तेईस होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे छह जोड़ेंगे तो चौबीस, चौबीस में कितना जोड़ेंगे इकतीस होगा, तो चौबीस में हम लोग सात जोड़ेंगे तो इकतीस होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक अगला टर्म्स लाने के लिए एक से बढ़ोतरी करके जोड़ना पड़ा है, पहला में चार जोड़ेंगे उसके बाद अगला में पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, सात के बाद कितना जोड़ेंगे अब आठ जोड़ेंगे, तो आठ किस में जोड़ेंगे पहले वाला टर्म्स में तो इकतीस में, तो इकतीस में आठ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा उनचालीस। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नौ अट्ठाईस छियासी दो सौ इकसठ और सात सौ सतासी है, इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए, नौ अट्ठाईस छियासी दो सौ इकसठ सात सौ सतासी, उसके बाद पूछ रहा है कि क्या होगा, तो नौ में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि अट्ठाईस हो जाएगा, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि उन्नीस जोड़ देंगे ना, उन्नीस है नौ, नौ नौ अठारह एक एक दो, तो उन्नीस में नौ जोड़ देंगे तो अट्ठाईस है, अब अट्ठाईस में छियासी, छियासी लाने के लिए कितना जोड़ेगा कर देगा कि छियासी माइनस अट्ठाईस, इस लाइन की लाने के लिए छह में से आठ गया तो कितना बचा, सोलह में से आठ गया आठ, सात में से दो गया पांच, यहाँ पे अट्ठाईस जोड़े यहाँ पे अंठावन जोड़े, कौन सा सीरीज बना है, कोई ऐसा सीरीज नहीं लगाना, हर एक जगह पे जोड़ के लगा के नहीं बन जाएगा, तब देखिए यहाँ पर कैसे बनाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे यदि नौ को हम लोग नौ से अट्ठाईस लाना है तो क्या करेंगे कि नौ को यदि तीन से गुना कर दें और एक जोड़ दें तो नौ तीन सत्ताईस एक अट्ठाईस, उसी तरह से अट्ठाईस को मैं यदि तीन से जोड़ दें तो अट्ठाईस क्या क्या होता है चौरासी, चौरासी में कितना जोड़ेंगे कि छियासी आ जाएगा तो दो, तो यहाँ पे दो जोड़ दिए, यहाँ पे छियासी में क्या करेंगे यहाँ पे भी तीन से गुणा करिए तो यहाँ पे भी करेंगे तो छियासी दिया छत्तीस अठारह अड़तीस चौबीस दो सौ अड़तालीस और दो सौ अंठावन, ठीक है ये कही था, अब यहाँ पे है कितना दो सौ इकसठ, तो दो सौ अंठावन में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि दो सौ इकसठ हो जाए तो तीन, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन से गुणा करिए तीन जोड़िए, तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि तीन से गुना के एक जोड़, तीन से गुना के दो जोड़, यहाँ पर तीन से गुना के तीन से, यहाँ पर गुना सेम अंक से कर रहे हैं लेकिन जोड़ जो रहा है सो एक से बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे क्या करेंगे गुना तीन और प्लस चार होगा नहीं होगा, कर लीजिए दो सौ इकसठ गुना तीन, एक तीन छत्तीस अठारह द्वितीय छह एक सात सात सौ तिरासी, और सात सौ तिरासी में चार जोड़ेगा तो कितना होगा सात सौ सतासी, उसी तरह से सात सौ सतासी में कितना से गुना करेगा तीन से, और जुड़िएगा कितना चार के पास कितना से जुड़िएगा पांच से, तो यहाँ पे हो जाएगा पांच, तो सात सौ सतासी को तीन से गुना कर लीजिए सत्या इक्कीस एक दो कई अड़तीस चौबीस है दो छब्बीस के दो सत्या इक्कीस है दो तेईस सौ इकसठ है, और तेईस सौ इकसठ में पांच जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा तेईस सौ छियासठ, यहाँ पे कितना आंसर हो गया सत्या इक्कीस अड़तीस चौबीस है दो छब्बीस है सत्या इक्कीस दो तेईस तो तेईस सौ छियासठ हो गया, तो इस तरह से भी सोच कर रखना है, आप लोग को एक क्वेश्चन बनने लगेगा एग्जाम में, आप लोग सिर्फ 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है एक सौ बावन एक सौ चौसठ एक सौ छिहत्तर एक सौ अट्ठासी और दो सौ बारह, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे कि आएगा यहाँ पे, तो एक सौ बावन में हम लोग कितना जोड़ दें कि एक सौ चौसठ आ जाएगा, कितना जोड़ेंगे एक वन हंड्रेड फिफ्टी टू में कितना जोड़ेंगे ऐड करेंगे कि वन हंड्रेड सिक्सटी फोर आ जाए, यदि हम लोग एक सौ बावन में बारह जोड़ दें तो चौसठ आएगा कि नहीं, एक सौ चौसठ एक सौ चौसठ में फिर हम लोग बारह जोड़ दें तो एक सौ छिहत्तर एक सौ छिहत्तर में फिर हम लोग बारह जोड़ देंगे तो एक सौ अट्ठासी आ जाएगा, एक सौ अट्ठासी में हम लोग फिर बारह जोड़ दें तो कितना आएगा दो सौ, अब दो सौ में बारह जोड़ेंगे तो क्या दो सौ बारह आएंगे नहीं, तो यहाँ पर सही हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया दो सौ हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सत्रह उन्नीस उसके बाद है
22, 24, 27 और उसके बाद हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो यहां पे देखिए 17 हम लोग कितना जोड़ेंगे, 19 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि दो जोड़ेंगे तो 19। बहुत लोग यहाँ पे दो किया है, यहाँ पे 27 है, 29। लेकिन अगला टर्म्स को भी देख लेना कि कौन से रूल को फॉलो करा, पहला क्या फॉलो करा, अगला क्या। 19 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 22 आएगा, तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 22 में कितना जोड़ेंगे कि 24 आएगा, तो 2। 24 में कितना जोड़ेंगे तो 3, 27। 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। यहाँ पे देखिए पहले में 2 जोड़ेंगे, फिर 3, फिर 2, 3, अब क्या जोड़ेंगे, 2, 3, 2, 3, उसके बाद फिर 2 जोड़ेंगे, तो 27 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 29। तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 19, 9, 28, 37, 65 उसके बाद क्या होगा। तो 19 में 10 घटा दे तो 9 आ जाएगा, बहुत लोग सोचेगा। और 9 में फिर क्या करें कि 19 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, फिर 28 में कितना 9 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। और 37 में इस तरह से बनाना नहीं है। यहाँ पर देखिए यदि हम लोग 19 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 9 को जोड़ेंगे तो 28। मतलब कि हम यहाँ पे देखें कि आगे वाला कोई नंबर को लाना है तो उसके पहले दो टर्म्स को जोड़िए तो ये आ रहा है, फिर देख रहे हैं आगे वही काम से हो रहा है कि नहीं हो रहा। 37 लाना है तो क्या करेंगे, उसके दो को पहले के जोड़ेंगे, तो किसको किसको जोड़ेंगे, 28 और 9 को। तो 28 और 9 जोड़ने पर 37 आ रहा है कि नहीं, 8 9 17 2 3। तो हाँ देखे कि 37 लाने के लिए भी 28 और 9 को जोड़ दिए तो आ गया। 65 लाना है तो 65 के लिए क्या करेंगे, 27 और 28 को जोड़ेंगे, तो 37 और 28 को जोड़ेंगे कितना हुआ, 65। अब ये टर्म्स लाना है तो ये टर्म्स लाने के लिए क्या करेंगे, उसके आगे दो बार दो को जोड़ेंगे तो 65 और 37 को जोड़ देंगे, 65 प्लस 37 तो 7 5 12, 6 3 9 1 10, तो 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 102। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 2, 3, 10, 39 उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पूछ रहा है कि 1175। 2, 3, 10, 39 1175, तो 2 में हम लोग कितना जोड़े कि 3 आ गया तो 1, और 3 में कितना जोड़े तो 10 आ जाएगा तो 7, 10 में कितना जोड़े कि 39 आ जाए तो 29। ऐसा कोई रूल होता है, नहीं होता है। तो यहां देखिए यदि हम लोग 2 में 2 को 2 से गुना कर दे, 1 हटा दे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, 2 दूनी के 4 में से गया तो 3। उसी तरह से 3 को 3 से गुना कर दिए तो कितना होगा, 9, आ 1 जोड़ देंगे तो 10 आ गया। यहां पर देखिए 10 49 लाने के लिए क्या करेंगे कि 4 से गुना कर देंगे, 1 हटा देंगे, 10 से 40 माइनस से 39। अब यहां पर कितना करेंगे, यहां बता दिए 2 से गुना किए 1 घटा दे, फिर उसके बाद 3 से गुना किए 1 जोड़ दिए, फिर उसके बाद क्या किए 4 से गुना किए 1 घटा दे, तब क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 39 में 5 से गुना करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो 39 पचे 9 पचे 45 के 5 4 के लिए 3 पचे 15 4 19 195, एक और जोड़ेंगे तो 196। अब 196 में यहां से 1175 लाना है तो कितना करेंगे, 196 में आप क्या करेंगे 4 5 उसके बाद 6 और 1 घटा देंगे, 196 गुणे 6 और माइनस 1, तो देखते हैं कि 1175 आ रहा है कि नहीं। तो 196 में 6 से गुना कर लीजिए, 6 6 36 के 6 और उसके बाद कई बच गया कितना 3, 9 6 54 3 57 7 5 के 1 6 6 और 5 11 1176, 1176 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 1175। तो यहाँ पर मेरा जो कॉन्सेप्ट है सही लगा है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2, 5, 11, 23 और उसके बाद कर है कि क्या होगा, 2, 5, 11, 23। तब आप सोचिए 2 में कितना से गुना करेंगे 5 आएगा, 5 में कितना से गुना करेंगे कि 11। तो बहुत लोग सोचेगा कि 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 है, और 5 में 6 जोड़ देंगे तो 11, और 11 में कितना फिर 12 जोड़ देंगे तो 23। लेकिन इस तरह से नहीं बनाना है। यहाँ पे देखिए
दो में यदि दो से गुना कर देंगे एक जोड़ देंगे तो पांच आ जाएगा। पांच में यदि हम लोग दो से गुना कर दें एक जोड़ देंगे तो ग्यारह आ जाएगा। ग्यारह में हम लोग दो से गुना कर देंगे तो बाईस, एक जोड़ देंगे तो तेईस, तेईस में हम लोग दो से गुना कर देंगे और फिर क्या करेंगे एक ही जोड़ेंगे, सब यही कर रहे हैं तो तेईस जोड़ने के छियालीस है सैतालीस, तो यहाँ पर जो है सैतालीस आंसर हो जाएगा। तो यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन है कि दो तीन सात सोलह बत्तीस, उसके बाद पूछा कि क्या होगा, तब आप सोचिए कि कैसे करेंगे। तो बहुत लोग कहेगा कि दो में एक से गुना कर देंगे तो तीन है, और तीन में क्या करेंगे चार जोड़ देंगे, लेकिन उस तरह से करना नहीं है। यहां पर क्या करेंगे यदि दो में एक का स्क्वायर से जोड़ दें, यदि दो में डायरेक्ट लोग कहें कि एक एक जोड़ दिए तीन हो गया, तीन में कितना जोड़ेंगे सात होगा तो चार, तो ऐसे तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे कि दो में यदि एक का स्क्वायर जोड़ देंगे, एक का स्क्वायर एक तो दो एक तीन हो गया, तीन में हम लोग क्या करेंगे दो का स्क्वायर जोड़ देंगे तो दो का स्क्वायर कितना होता है चार, तो तीन में चार जोड़ेंगे तो कितना होगा सात। उसी तरह से सात में तीन का स्क्वायर जोड़ देंगे तो तीन का स्क्वायर नौ, नौ सात सोलह, सोलह में फिर उसी तरह से चार का स्क्वायर जोड़ देंगे तो चार का स्क्वायर सोलह, सोलह सोलह बत्तीस हो गया। अब बत्तीस में कितना जोड़ेंगे एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर चार स्क्वायर अब पांच का स्क्वायर, तो पांच का स्क्वायर कितना हो जाएगा पच्चीस, तो बत्तीस और पच्चीस कितना हो जाएगा बत्तीस और पच्चीस संतावन, तो यहां पर जो है संतावन आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तैतालीस पैतालीस पचास साठ और उसके बाद कह रहा है कि एक सौ तीन, ठीक है। तो यहां पर पूछा कि क्या होगा, तो सोचिए तैतालीस में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि पैतालीस आ जाएगा, तो दो जोड़ेंगे तो पैतालीस आ जाएगा, पैतालीस में कितना जोड़ेंगे कि पचास आ जाएगा तो पांच, पचास में दस जोड़ेंगे तो साठ आएगा, और साठ में यदि हम लोग पंद्रह जोड़ दे रहे हैं तो पचहत्तर, लेकिन उस तरह से नहीं होगा। तो यहां पर देखिए यदि तैतालीस में हम लोग क्या करें कि दो जोड़ देंगे तो पैतालीस होगा, तैतालीस में हम लोग दो जोड़ देंगे तो पैतालीस होगा, लेकिन यही दो को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एक का स्क्वायर प्लस एक, एक का स्क्वायर कितना होगा एक प्लस एक कितना हो जाएगा दो, तैतालीस है दो पैतालीस, उसी तरह से पैतालीस में पांच लाना है तो पांच लाने के लिए क्या करेंगे कि दो का स्क्वायर प्लस एक कर सकते हैं, दो का स्क्वायर चार एक पांच तो पैतालीस पांच पचास हो गया, पचास से साठ लाना है तो क्या करेंगे कि तीन का स्क्वायर प्लस एक तो तीन का स्क्वायर नौ एक दस, तो पचास और दस साठ, साठ में फिर हम लोग क्या करेंगे कि चार का स्क्वायर प्लस एक तो चार स्क्वायर कितना तो सोलह, और सोलह में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा सत्रह, और साठ और सत्रह कितना हो गया सतहत्तर, और सतहत्तर में कितना जोड़ेंगे पांच का स्क्वायर प्लस एक, पांच का स्क्वायर कितना होगा पच्चीस, और पच्चीस एक छब्बीस, तो सतहत्तर और छब्बीस जोड़ेंगे कितना होगा सात सौ तेरह, सात दो दस एक सौ तीन आ गया, तो ये सही हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 12, 18, 27, 40.5 और उसके बाद पूछा है कि क्या होगा, तो देखिए 12 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 18 होगा तो 6, 18 में कितना जोड़ेंगे 27 होगा तो 9, 27 में कितना जोड़ेंगे 40.5 होगा, अब यहां पे तो पॉइंट आ गया तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए। यदि हम लोग 12 में 12 यदि भागा कर दे दो से, आज इसको जोड़ दे 12 में क्या है कि 12 को ही भागा कर दिया, उसी 12 को दो से भागा कर दिए और उसको जोड़ दिए तो 12 भागा दो 6, और 12 और 6 को जोड़ेंगे तो 18, 18 में फिर क्या दिए कि यही 18 को भागा कर दिए दो से, आज दोनों को जोड़ दिए तो 18 भागा दो 9, 18 9 कितना हो गया 27, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे कि 27 को दो से भागा कर देंगे दोनों के जोड़ देंगे तो 27 भागा दो कितना जाएगा 13.5, और 27 में 13.5 जोड़ेगा तो क्या 27 और 13 जोड़िए तो 40, 40.5 हो जाएगा। अब 40.5 से ये लाने तो क्या करेगा प्लस करके 40.5 भागा दो, तो दो से क्या होगा 20 मतलब कट जाएगा 40, और फिर 0.5 कटाना है तो क्या होगा 0.25, यहाँ पर देखिए दो से 40.5 कटाना है ना तो दो से
दो दूनी के चार खत्म हो गया जीरो, तो जीरो के जीरो रहने दीजिए, पॉइंट की जगह पे यहाँ पे जीरो लगा दीजिए, अब पांच यहाँ से पॉइंट हट गया, बच गया क्या पांच, तो दो दूनी के चार, हाथ में कैरी एक, यहाँ पे बच गया जीरो, एक जीरो लगा दीजिए तो दो पचे दस खत्म हो गया, यहाँ से बीस पॉइंट पच्चीस आ गया, तो चालीस पॉइंट पांच प्लस जोड़ दीजिए बीस पॉइंट पच्चीस, यहाँ पे जीरो पीछे लगा सकते हैं, तो जीरो पांच पांच, पांच दो सात, जीरो के जीरो चार दो छह, यहां से आगे की साठ पॉइंट पचहत्तर जो है आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पैंतीस पचास तिरसठ बयासी और 122 इसको कैसे बनाएंगे सो देखिए, तो 35 में 15 जोड़ेंगे तो 50 होगा और 50 में 13 जोड़ेंगे तो 63 होगा, लेकिन उस तरह से हम लोग नहीं करेंगे, यहां पे कैसे करेंगे 35 6 के स्क्वायर क्या होता है 36 है, अब उसमें से एक हटा देंगे तो 35 होगा कि नहीं होगा, तो यहां पर देखिए 6 के स्क्वायर 36 माइनस 1 50, 50 किसका, 50 के पहले 7 के स्क्वायर 49 होता है, उसमें एक जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, तो 7 के स्क्वायर 49 प्लस 1 50 63, 8 के स्क्वायर 64 होता है उसमें से 1 हटा देंगे तो 63 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1 82 है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है प्लस 1 जोड़ देंगे तो 82, तो यहां पर देखें कि 6 के स्क्वायर किए 1 हटा दिए, 7 के स्क्वायर किए 1 जोड़ दिए, 8 के स्क्वायर किए 1 हटा दिए, उसके बाद 9 का स्क्वायर किए क्या किए 1 जोड़ दिए, तो यहाँ क्या 6 7 8 9, अब क्या हुआ 10 का स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे कितना घटाएंगे कि जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस के अलग लगा करेंगे माइनस ना, तो यहाँ पे माइनस, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, आप 100 में से घटाएंगे तो कितना होगा 99, तो यहाँ पे 99 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे 11 का स्क्वायर, अब माइनस कर देते उसके बाद प्लस, 11 का स्क्वायर 121, 121 में जोड़ेंगे तो 122, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 263 277 290 302 313 और उसके बाद पूछ रहा है कि क्या होगा, यहां पे क्या है 302 हमसे पूछ रहा है कि क्या करें, 263 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 277 हो जाए, तो 14 जोड़ेंगे तो 277 हो जाए, 277 में कितना जोड़ेंगे 290 तो 77 और 3 80 या 10 90 तो 13 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा, फिर उसके बाद 290 में कितना जोड़ेंगे 302 होगा तो 290 10 312 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक से घटा 14 जोड़े उसके बाद 13 उसके बाद 12 और कितना जोड़ेंगे 11, तो 302 में 11 ही जोड़ेंगे तो 313 होगा, अब 11 के बाद क्या है 10, तो 313 में हम लोग 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 323, तो यहाँ पे 323 जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 19 42 87 और उसके बाद पूछ रहा है कि क्या होगा, तो 7 को यदि हम लोग 2 से गुना कर दें तो कितना होगा 14, 14 में हम लोग क्या करेंगे 5 से जोड़ 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ पे 7 दूनी के 14 प्लस 5 19, 19 में हम लोग क्या करें 19 दूनी के 38 है, 38 में कितना जोड़ेंगे 42 आ जाएगा, तो 38 में 6 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, यहाँ पर 2 से गुना किया 6 जोड़ दिए, फिर यहाँ पर देखिए 42 को यदि हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 19 दूनी के 38 है, 38 में कितना जोड़ेंगे 42 हो जाएगा तो 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा ठीक है, 6 नहीं 6 से तो 44 हो जाएगा, तो 4 तो 38 और 4 42, अब 42 में 2 से गुना करेंगे तो 84, 84 में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो 87, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों में क्या किए कि दो से तो गुना तीनों में किए लेकिन जोड़े पहले काम है 5 उसके बाद 4 उसके बाद 3 तब कितना जोड़ेंगे 2, तो क्या करेंगे 87 में 2 से गुना कर देंगे और 2 जोड़ेंगे तो 87 दूनी के 7 दूनी के 14 8 दूनी के 16 17 और 2 जोड़ देंगे तो 176, तो यहाँ पे जो है 176 आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि चार, उसके बाद पूछा कि क्या होगा, उसके बाद है 19, उसके बाद है 39, उसके बाद है 29, उसके बाद है 159। तो यहां पे कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो इस टर्म को छोड़ दीजिए सबसे पहले, इधर देखिए किस रूल को फॉलो करा। तो 19 में हम लोग 2 से गुना कर दें तो 38 होगा, 38 में 1 जोड़ देंगे तो 39 होगा। तो 19 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो 39। आगे भी देखते हैं कि रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। 39 में हम लोग कितना 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी का 18, 1 3 दूनी का 6 7 78। अरे यहां पर भी क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 79। उसी तरह से यहां पर देखिए 79 से 159 लाना है, तो क्या करेंगे यहां पर भी 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ के देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो 79 में 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी का 18 1, 7 दूनी का 14 1 15, 158। 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 159। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि हर एक अगला टर्म चलाने के लिए पहल का टर्म से मैं क्या करिए कि 2 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए, वही काम यहां पर करेंगे। ये अगला टर्म है तो क्या करेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो 4 दूनी के 8 1 9। अब 9 से 19 लाना है तो यहां पर भी क्या करेंगे कि 9 दूनी के 18 प्लस 1। यहां पर हर एक टर्म में क्या किए कि 2 से गुना कर दिए और 1 जोड़ दिए, तो आ गया ना। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 8, 16, 48, 96, 288, 576, और उसके बाद पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहां पे बहुत लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, 8 में हम लोग यदि 2 से गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 48, 48 में 2 से गुना करेंगे तो 96 होगा कि नहीं होगा। 96 में यहाँ पे कितना से गुणा करेंगे, 3 से ना, तो 288 देखिए 96 गुणे 3 36 18 के 1 9 10 27 1 28 288। अब यहाँ पे 288 में क्या करेंगे, 2 3 2 3, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 गुणे के 2 जो होता है 576 ही होता है। अब 576 में आप कितना से गुणा करेंगे, 2 3 2 3 और 2, उसके बाद क्या किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 576 गुणे 3 तो 36 18 के 1 कैरी 27 1 22 के 2 हाथ में कैरी 2 15 दो 17, तो 1728। तो यहाँ पे जो है 1728 ही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 5, 16, 51, 158, और हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे क्या 5 में 11 थोड़े जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या बड़ा बड़ा टर्म से बढ़ते हुए जा रहा है, तो कभी भी सोचिए कि गुना ही करना होगा। तो 5 में यदि हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 1 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में उसी तरह से 3 से गुना कर देंगे तो 48, 1 जोड़ देंगे 48, 48 में कितना जोड़ेंगे कि 51 हो जाएगा, तो 3, यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, ठीक है। 51 से 158 लाना तो कितना करेंगे, तो यहाँ पे भी 51 दिए कितना हो जाएगा, 153, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 5, तब तो यहाँ पर देखिए 1 जोड़े 3 जोड़े 5 जोड़े तब कितना जोड़ेंगे, सब क्या किए 3 से गुना कर दिए 1 3 5। अब अगला क्या जोड़ेंगे 7, 9 की 6 जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या है एक अभाज्य संख्या का 1 3 5, क्या अभाज्य संख्या है, ये दूसरे संख्या से कट नहीं सकता है, केवल अपने से कट सकता है और एक से कट सकता है, तो वही अभाज्य संख्या होता है। यहाँ पर देखिए 158 में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, आप क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे, 158 गुणे 3 कितना था 38, 24 के 4 2 केड़ी 15 2 17 के हाथ में केड़ी 1 के 4 474, 7 जोड़ देंगे तो 7 के 11 के हाथ में केड़ी 1 और 7 के 8 4 481, तो यहां पे जो है 481 आंसर हो जाएगा। तो 5, 16, 51, 158 उसके बाद 481 हो जाएगा। तो यहां पता किए कि 3 से गुणा किए और अभाज्य संख्या से जोड़ दिए 1 3 5 7, उसके बाद क्या होता है 13 के बाद 17 होता, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कि 0.15, 0.3,
उसके बाद पूछ रहा है कि क्या होगा, उसके बाद दिया हुआ है 1.2 और उसके बाद 2.4। तो यहां पे देखिए कि 0.15 से 0.3 लाना है तो कितना से गुणा करेंगे या जोड़ देंगे, बहुत लोग कहेंगे जोड़ेंगे, तो 0.15 से ही जोड़ेंगे तो 0.3 आएगा, लेकिन 1.2 में भी यहाँ पर कितना करेंगे 1.2 जोड़ना पड़ेगा तब जाकर 2.4 आएगा। लेकिन हम इसको उस तरह से नहीं बनाएंगे, 0.15 में 2 से गुणा करेंगे तो 0.3, 0.3 में 2 से गुणा करेंगे तो 0.6, 0.6 में 2 से गुणा करेंगे तो 1.2 और 1.2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2.4। या आप लोग इस तरह से भी कर सकते थे कि 0.3 लाने के लिए 0.15 प्लस उसी नंबर को जोड़ दीजिए, 0.6 यहाँ पे लाना है तो 0.3 प्लस 0.3 वही संख्या को जोड़ दीजिएगा तो 0.6, 1.2 लाना है तो 0.6 प्लस 0.6। उस तरह से थोड़ा लेंदी होगा लेकिन डायरेक्ट गुना करिए जल्दी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30, 24, 19, 15, 12 उसके बाद हमसे पूछा है कि क्या होगा। तो यहां पर देखिए 30 में से कितना घटाएंगे 24 आ जाएगा, तो 30 में से आप लोग 6 घटाएंगे तो 24 आएगा, 24 में से कितना घटाएंगे 19 आएगा, तो 24 में से 5 घटाएंगे तो 19 आएगा, 19 में से कितना घटाएंगे 15 आएगा, तो 19 में से 4 घटाएंगे तो 15 आएगा, और 15 में से कितना घटाएंगे 12 आएगा, तो 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 आएगा। यहां पर देख रहे हैं कि घटा रहे हैं लेकिन घटते हुए क्रम में 6, 5, 4, 3 तब कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे, तो 12 में से कितना घटाएंगे 2 तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 यहां पे आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए।